गाड़ी मेरा बंद हो गया था, स्टार्ट नहीं ले रहा था, मैंने 1 लीटर पेट्रोल डाला था तो गाड़ी स्टार्ट नहीं ले रहा था। इसका मतलब कि तेल तो ख़त्म हो चुका था, पूरा ख़त्म हो चुका था। तो फिर मैंने 2 लीटर पेट्रोल डाला था और चल रहा है अभी भी। देखो पूरा तो मैं वीडियो नहीं दिखा पाऊँगा, 2 लीटर मतलब करीब मान लो अगर 60 का भी माइलेज दे देता है तो 120 किलोमीटर तो मैं आप लोग के साथ राइड शेयर नहीं कर सकता हूँ, वो वीडियो नहीं पूरा वेब सीरीज हो जाएगा। तो मैंने तब तो उतना वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था, अभी फिलहाल मेरे को लगता है कि कुछ किलोमीटर के अंदर बंद हो सकता है, इसीलिए मैंने फिर से वीडियो स्टार्ट किया और देखते हैं अभी कितना जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज मैं लेके आ चुका हूँ फिर से आप लोग के साथ सिटी में पल्सर 125 का माइलेज टेस्ट करने। ये देखो 1 लीटर पेट्रोल है अभी मेरे पास और गाड़ी बंद हो चुका है। मैं एक बार फिर भी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, रुक जाओ। मैं दिखा देता हूँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है अभी। तो ये देखो इसका फ्यूल का कुछ ये सीन है ना, किलोमीटर चेक कर लो गाइस। वही सुनो, ये देखो 6694, ठीक है 6694 अभी किलोमीटर है। और इसमें हम लोग पेट्रोल डाल के चलाएंगे और देखते हैं इसका सिटी में क्या माइलेज है। हाईवे पे तो मैं कर चुका हूँ, मेरे वीडियो में मेरा चैनल पे आप लोग चेकआउट कर लेना, वहाँ पर काफ़ी सारा पल्सर रिलेटेड वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलो मैं पहले एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। देख सकते हो गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रहा है। तो चलो अब इसमें ये पेट्रोल है डाल देते, 1 लीटर है तो डाल के देखते इसका क्या माइलेज है। तो चलो अभी हम लोग तेल तो डाल लिए, अब देखते इसको स्टार्ट करके। देखो कितना दिखा रहा है, देखो बस 6 लीटर के ऊपर तेल दिखा रहा है, लेकिन ये सब सेंसर का प्रॉब्लम है तो छोड़ो यार, 1 ही लीटर तेल है, नहीं दे रहा है, नहीं दे। तो चलो थोड़ा देर रुक जाते फिर इसके बाद स्टार्ट करते। तो अभी फिलहाल मीटर चेक कर लो, देख लो कितना, 6809। और हम लोग गाड़ी स्टार्ट किए थे शायद 6694 पे, हाँ 6694 पे हम लोग स्टार्ट किए थे और 2 लीटर पेट्रोल के साथ हम लोग स्टार्ट किए थे और गाड़ी अभी तक चल रहा है। मतलब रियली मैं शॉक्ड हूँ, इतना मतलब इम्प्रेसिव हो चुका हूँ गाइस माइलेज को लेके। तो सिटी में मैं पिलियन के साथ राइड कर रहा हूँ, अभी भी राइड कर रहा हूँ पिलियन के साथ, और बीच में मैं जितना भी राइड किया हूँ सब पिलियन के साथ किया हूँ, और अच्छे खासा ट्रैफिक में भी मैंने राइड किया। तो फिर भी देखते हैं, बैग में पेट्रोल लिया हुआ है, कहीं बीच में बंद हो गया तो फिर से स्टार्ट करके घर तो आना पड़ेगा। तो चलो फिर से शुरू करते हैं और देखते हैं कितना जाता है। मैंने चैनल में ऐसे में भी 2 वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ अभी तक हाईवे माइलेज टेस्ट के ऊपर। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना। और अभी फ़िलहाल मैं सिटी माइलेज टेस्ट कर रहा हूँ, सिटी में गियर यूज़ करने के बाद पल्सर 125 BS6 क्या माइलेज दे रहा है। तो मैं तो एकदम शॉक हो चुका हूँ गाइस, लिटरली यार अभी भी 55+ दे रहा है माइलेज, क्या पता क्या सीन हो गया, क्या हो गया इसको 55+ माइलेज दे रहा है। और अभी जैसे आप लोग रोड देख रहे हो, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे रोड पे चलाया हूँ, मेरा उधर अच्छा खासा ट्रैफिक रहता है। 6694 पे हम लोग स्टार्ट किए थे और अभी देख लो 6810 हो चुका है। चैनल पे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आता रहेगा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और अभी तो फिलहाल पल्सर के ऊपर ही वीडियो आएगा और आई होप कि इस वीक में कुछ नया वीडियो आ सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख देना। तो
ये अगर हीरो एक्सट्रीम का जो नया है हीरो एक्सट्रीम 125R, उसका माइलेज कंपनी क्लेम करता है 66 पर लीटर। अगर पल्सर 125 66 लीटर माइलेज दे देता है, तो पर लीटर 66 माइलेज अगर दे देता है, तो लिटरली मैं शॉक हो जाऊंगा गाइस, क्योंकि इसका वेट जो है 140 प्लस है, करीब 140 मान के चलो, तो 140 केजी वेट होने के बावजूद भी अगर ये 60 प्लस या 65 प्लस माइलेज दे देता है, तो भाई कोई कमी नहीं है इसमें। फिलहाल तो ये देखो इधर आसपास के मंदिर, लेफ्ट साइड में कॉलेज है, भाई लिटरली मैं शॉक हो जा रहा हूँ यार, गाड़ी जितना चल रहा है मैं उतना ज़्यादा शॉक हो रहा हूँ, क्योंकि जब गाड़ी मेरा बंद हो गया था, स्टार्ट नहीं ले रहा था, मैंने 1 लीटर पेट्रोल डाला था तो गाड़ी स्टार्ट नहीं ले रहा था, इसका मतलब कि तेल तो ख़त्म हो चुका था, पूरा ख़त्म हो चुका था, तो फिर मैंने 2 लीटर पेट्रोल डाला था और चल रहा है अभी भी। देखो पूरा तो मैं वीडियो नहीं दिखा पाऊँगा, 2 लीटर मतलब करीब मान लो अगर 60 का भी माइलेज दे देता है तो 120 किलोमीटर तो मैं आप लोग के साथ राइड शेयर नहीं कर सकता हूँ, वो वीडियो नहीं पूरा वेब सीरीज हो जाएगा। तो मैंने तब तो उतना वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था, अभी फिलहाल मेरे को लगता है कि कुछ किलोमीटर के अंदर बंद हो सकता है, इसीलिए मैंने फिर से वीडियो स्टार्ट किया और देखते हैं अभी कितना जाता है। ये तो फिलहाल अभी अनएक्सपेक्टेड पे चला गया, लिटरली मैं सोच भी नहीं पा सकता हूँ कि ऐसा भी इसका परफॉर्मेंस हो सकता है, रियली इम्प्रेस यार। अभी दोपहर का टाइम है, इसीलिए हो सकता है ये रोड इतना फ्री आपको मिल रहा है, बाकी टाइम शाम के टाइम या सुबह के टाइम इतना फ्री नहीं रहता जब स्कूल टाइम रहता है, तो मैंने उस टाइम पे भी गाड़ी को चलाया हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे ही फ्री रोड पे गाड़ी राइड कर रहा हूँ, अलग ही व्यू आता है यहाँ पर, अलग ही व्यू आता है। रोड चेक करो यार, एक नंबर, चारों तरफ इतना सुकून है, देखो यहाँ का रोड में तो चलो अभी फिलहाल थोड़ा पोस्ट ऑफिस में कुछ काम है वो भी कर लेता हूँ, फिर से इसको स्टार्ट करता हूँ। अभी देख लो 6814, तो फिलहाल पोस्ट ऑफिस का काम निपटा लेता हूँ, फिर उसके बाद फिर से स्टार्ट करता हूँ। तो फिलहाल पोस्ट ऑफिस का काम हो चुका है और अभी हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, तो चलो देखते हैं कितना दूर जाता है, और जितना भी जाएगा अनएक्सपेक्टेड जाएगा। ये देखो एक्सट्रीम, न्यू एक्सट्रीम का जो मैं बात कर रहा था ये मेरे सामने अभी चल रहा है फिलहाल, आर था पीछे, और मैं भाव क्यों दूँ भाई, मेरा खुद जब पल्सर 125 मेरे को 60 का माइलेज दे देता है, तो नहीं चाहिए एक्सट्रीम, पल्सर सही है। तो चलो यहाँ से हम लोग फिर से घुमा लेते हैं गाड़ी को, छोटे मोटे गाड़ी अब बीच में आ जाता है, मेरा मूड खराब कर देता है। हालांकि मेरे चैनल में भी एक्सट्रीम 125R का एक वीडियो है जिसमें मैंने इंक्वायरी किया था एक्सट्रीम का, तो सही लगा था मेरे को, बस ये किल स्विच वगैरह जो है, बाकी कुछ भी जितना स्विच था उसमें, तो मेरे को वो स्विच क्वालिटी उसका उतना अच्छा नहीं लगा बिल्ड क्वालिटी में, बाकी तो लुक वगैरह में सही था।
सबकी अपनी अपनी चॉइस दादाजी। अभी ठोक देता, अभी भी अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो जल्दी कमेंट करके बताओ, अभी कमेंट करके बताओ कि ये कितना तक चलेगा। अभी 6817 तक है अभी, और फटाफट कमेंट करके बताओ कि कितना तक जा सकता है ये। बाद में मत बताना, चीटिंग करना मत, अभी अभी बताओ कि ये कितना जा सकता है। तो बहुत हो गया इसका माइलेज टेस्ट, और अभी फ़िलहाल मैं गन्ने का जूस पीने जा रहा हूँ, क्योंकि इसका माइलेज के चक्कर में कहीं मेरा माइलेज ना ख़राब हो जाए। तो इतना गर्मी में तो पी लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो बहुत भीड़ है। छोड़ो यार, हमारे उधर और एक शॉप है, वहाँ से पी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ है। छोड़ दो, देखो अपना भी माइलेज सही रखना चाहिए। गाड़ी का तो ख्याल जब रख ही रहे हो, खुद का भी ख्याल रख लो थोड़ा सा। रुको बेटा, हम भी नहीं जाने देंगे आपको जी, आ जाओ ना। वो देखो पीछे जो गाड़ी दिख रहा है ना, फोर व्हीलर, भाई साहब को मैंने हॉर्न दिया फिर भी नहीं चला। आओ आगे आओ, आप कैसे जाते हैं हम भी देखते हैं। आपको आता है ये सब तो हमें भी आता है होगा, जाके दिखाओ बस बगल से। अच्छा छोड़ो ना, इनको एक बार जाने देता हूँ, फिर उनके बाद इसको दिखाऊंगा। रुक जाओ, जाने दे देता हूँ उनको, फिर मैं भी दिखाऊंगा। चला जाओ, आ क्यों नहीं रहा यार, जाओ ना, जाओ आप जाओ जाओ। मैंने इतना जगह दे दिया, देखो नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा था, मत जाओ यार, मेरे को क्या, मैंने तो देखो इतना स्पेस दे दिया। अब क्या, अब रुको, लेकिन जब मैं हॉर्न दे रहा हूँ तो उनको भी तो थोड़ा सुनना चाहिए ना। छोड़ो यार, तो फिलहाल हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि था, हम लोग पल्सर 125 माइलेज में, तो भाई लिटरली मैं अभी स्पीचलेस हो गया हूँ पल्सर के माइलेज को। मैंने हाईवे पे यार इतना माइलेज नहीं निकाला था, हाईवे पे मेरा इतना माइलेज नहीं आया था जितना मेरा सिटी पे आ रहा है। हालांकि हाईवे में मैंने खींचा भी था थोड़ा सा, बहुत गंदा माइलेज दे रहा यार, बहुत गंदा सच में। मैंने सोचा नहीं था कि इतना भी माइलेज दे देगा ये, और मैं ऑन गॉड कह रहा हूँ कि मैंने बस 2 ही लीटर पेट्रोल डाला था जब स्टार्ट हुआ था, मैं बस 2 ही लीटर पेट्रोल डाला था। और उसके पहले तो मैंने बताया कि मैंने जब गाड़ी बंद हो गया तो मैंने 1 लीटर पेट्रोल भी डाल के देखा, तो 1 लीटर पेट्रोल डालने के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था, और फिर मैंने और 1 लीटर पेट्रोल डाला तब भी स्टार्ट नहीं हो रहा था, लेकिन 2-3 बार स्टार्ट करने के बाद वो स्टार्ट हो गया था। तो तब वो तेल डलवाने के बाद, मैं अभी तक पेट्रोल नहीं डलवाया हूँ, ऑन गॉड कह रहा हूँ। तो क्या बोलूँ यार इसका माइलेज, तो आप देखो इधर भीड़ देखो, ऐसा भीड़ रहता है हमेशा। वो तब बस स्कूल बंद था, मतलब बंद नहीं था, क्लास टाइम चल रहा था, इसीलिए क्लास में था सब बच्चे, गाड़ी भी थोड़ा कम था, नहीं तो ऐसा ही ट्रैफिक रहता है। इससे ज़्यादा रहता है लेकिन इससे कम नहीं रहता है। तो गियर शिफ्टिंग तो पूरा होता है, जितना दे रहा है उतने में तो मैं सेटिस्फाई हूँ पल्सर 125 लेके। तो फिर भी और थोड़ा इधर उधर कर लेता हूँ, जो कहना है कह लो, लेकिन माइलेज में तो ये सबको पीछे छोड़ दे रहा है भाई, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। लेकिन मैंने 2 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल नहीं डाला था यार, सच बोल रहा हूँ, और 2 लीटर में इतना माइलेज दे देगा मेरे को, मैंने सोचा भी नहीं था। तो अभी हम लोग लगभग
घर तरफ आ ही चुके हैं और मैं ये वीडियो और लंबा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जितना मैं लंबा करूँगा उतना मैं शौक हो जाऊँगा, क्योंकि अभी भी ये चल रहा है भाई। मैं पूरा क्लच गियर यूज कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये चल रहा है। ऐसा नहीं कि मैं गियर क्लच यूज नहीं कर रहा हूँ। मैंने भी नहीं सोचा था यार सच में कि ये इतना माइलेज दे देगा, क्योंकि बैग में मैंने घर से जब निकला हूँ तब तो मैंने हाफ लीटर पेट्रोल डाल मतलब बैग में ले लिया था कि कहीं बंद हो गया तो घर आने के लिए काम में लग जाएगा, लेकिन भाई ये बंद ही नहीं हुआ। बहुत सारे को लग सकता है कि ये मैं फेक वीडियो बना रहा हूँ, मीटर में पॉज करके दिखा रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं तेल डलवा के वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है भाई, मैं 2 ही लीटर बस पेट्रोल डलवाया था और उसी से मैं चलवा रहा हूँ, बाकी तो और कुछ नहीं। एक मिनट फ़ोन देना, तो फ़ोन में मैं दिखा देता हूँ। ये देखो अभी फ़िलहाल मीटर चेक कर लेता कितना है, 6824। ठीक है, ये देखो ब्लिंक भी कर रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 6694 तक था। ठीक है, 6694 तक था, और उससे माइनस कर देता हूँ, अभी कितना हुआ है, 6824 130। ठीक है, अब 130 डिवाइड 2 कर देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो सीधा हिसाब 65 का आ चुका है और गाड़ी मेरा अभी भी बंद नहीं हुआ, लेकिन तो 65 का माइलेज आ चुका है अभी भी और गाड़ी बंद नहीं हुआ है फिलहाल, और भी चलेगा शायद से, तो मान के चलो क्या कहूँ मैं, कुछ इसके ऊपर प्रेडिक्शन मैं नहीं लगा पा रहा हूँ कितना चलेगा, पर जितना भी चले तो मैंने दिखा दिया 65। मैंने लोकल में मतलब सिटी में राइड करके मैंने 65 निकाला हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि पल्सर माइलेज नहीं देता है, माइलेज तो पूरा ठीक ठाक दे रहा है। ये देखो पल्सर 125 है BS6 का, और जो कि माइलेज अभी दे रहा है मेरे को 65 सिटी में। तो आई होप कि आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो चुका है, और अगर फिर भी कुछ इंक्वायरी रहा तो कमेंट में ज़रूर बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस।